सिद्ध साहब लीगल लीगल एक्सपर्ट लीगल कुछ रेमेडी लीगल लीगल रिकॉर्ड की रहेगा सिद्ध सर नो कमेंट द ऑर्डर आया नो कमेंट देखिए क्या गिरजा आज से 34 साल पहले की एक घटना कांग्रेस के धाकड़ नेता नवजोत सिंह सिद्धू के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से रोडरेज मामले में फैसले का दिन था, फैसला आया भी लेकिन उनके हक में नहीं, उन्हें एक साल की सजा सुना दी गई है जिसमें उन्हें सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस सिलसिले में उनका मीडिया के कैमरों से भी सामना हुआ। इस दौरान उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था, चेहरे पर शांति के भाव थे, लबों पर मंद मंद मुस्कान भी थी। शायद वे ऐसा कर मन में उठे उस तूफान को दर्शाना नहीं चाह रहे थे जिसमें वे व्यथित, निराश और परेशान होंगे। इस दौरान वे बस यही कहे चले जा रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं कहना। सिद्ध साहब लीगल लीगल एक्सपर्ट लीगल कुछ रेमेडी लीगल लीगल रिकॉर्ड की रहेगा सिद्ध सर नो कमेंट द ऑर्डर आया नो कमेंट देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि खुलकर मीडिया के सामने तो कुछ नहीं बोले, अलबत्ता उन्होंने ट्विटर पर जरूर अपनी बात रखी। सिद्धू ने ट्वीट किया कि वो कानून के समक्ष समर्पित होने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था जिसमें उनकी ओर से दलील दी गई थी कि यह मामला 34 साल पुराना है, ऐसे में इसे विचार करने योग्य नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें सिद्धू ने अपने सामाजिक रुतबे और अपनी प्रतिष्ठा का भी हवाला दिया था लेकिन उनकी ओर से ये याचिका और सजा न दिए जाने का आधार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नवजोत सिद्धू के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस वक्त वे अपनी राजनीतिक पारी को चमकाने में लगे हुए थे लेकिन इस फैसले ने अब उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।